So leaders like Mehbooba Mufti and Omar Abdullah are saying that it is an intentional release and you will be supporting BJP like a proxy. My fight is much more bigger than what Omar Abdullah says. His fight is for the chair. My fight is for the people. 5.5 years जो बंदा जेल में मर रहा हो और वो 5.5 years लंदन की गलियों में, गुलमर्ग की गलियों में और बिल्लियों की तरह बिल्लों में छुप कर बैठे थे, आज वोट के लिए बाहर आए हैं. आई एम नथिंग टू से हिम. पीपल ऑफ नॉर्थ कश्मीर हैव रेस्पॉन्डेड हिम ऑलरेडी ऑन 4th of June व्हेन ही लॉस्ट बाई मोर देन 2 lakh वोट्स. सो महबूबा मुफ्ती साहब अभी हार गई. आई एम एजेंट ऑफ माई कॉन्शंस, आई एम एजेंट ऑफ माई पीपल. और मुझे उन लोगों की सर्टिफिकेट क्या चाहिए जो बंदा तिहार से, तिहार का नाम ही काफ़ी है. आई कॉन्ट फॉरगेट अल्ताफ फंतोश हुआ माई सेलमेट, जिसको मैंने आखिरी बार जब निकाला तो उसकी लाश की घर पहुँची. आई कॉन्ट फॉरगेट डजन्स ऑफ कश्मीरीज, अब्दुल माजिद बाबा, फयाज अहमद लोन फ्राम कुपवारा, अब्दुल माजिद बाबा फ्राम सोपोर, जो सर्जरी के लिए तड़प रहे हैं, अरशद टांची फ्राम कुपवाड़ा, जो लोग इलाज के लिए तड़प रहे हैं. देयर आर डजन्स ऑफ पीपल, डजन्स ऑफ इन्वेस्टर्स फ्राम कश्मीर हु आर देयर इन तिहार, हु नीड इमीडिएट मेडिकल केयर. मैं इतना ही कह दूंगा उमर साहब और महबूबा जी से, मेरी लड़ाई लोगों के लिए है. मैं उनकी बात करके अपना कद और अपनी कुर्बानी छोटा नहीं करना चाहता. अरे कहने की बात है, आई एम विक्टिम ऑफ बीजेपी. हाउ डू यू से इट? बीजेपी का नया कश्मीर तो पहले हार चुका है. आई विल फाइट मोदी जी पॉलिसीज टिल माई लास्ट ब्रेथ बिकॉज ही हैज ऑलरेडी लेट डाउन पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. उसका नया कश्मीर कहीं पर कुछ भी नहीं है. वो आपको पता चला होगा इलेक्शन में भी, उसके बाद भी. और जो मेरा वोट है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको पता होगा कश्मीर में पहली बार जो मोदी जी कह रहे हैं इतने परसेंटेज वोट बढ़े, दैट वोट वॉज बिकॉज इट वॉज अ रिजनमेंट अगेंस्ट मोदीज डिसीजन ऑफ टू एब्रोगेट आर्टिकल 370 and 35A. पहले कश्मीरी लोग पीसफुल तरीके से बात करते थे. उसके बाद सोशल मीडिया पर भी पाबंदी लगा, कहीं बात करनी नहीं थी, तो लोगों को ऐसे ऑप्शन लगा कि हमें वोट डालना चाहिए. इट वॉज नॉट इन लव विथ मोदी जी. जो वोट लोगों ने डाला पार्लियामेंट इलेक्शन में, ये मोदी जी के प्यार में नहीं डाला, ये मोदी जी को बताने के लिए डाला कि कश्मीरी क्या चाहते हैं, कश्मीर क्या चाहता है. वो POK की बात करते हैं, वो जब हम यही बात कहते हैं, फिर लोगों से पूछा जाए आर पार कि वो लोग क्या चाहते हैं, हाउ टू रिजॉल्व कश्मीर इशू. एंड इफ सेइंग दैट इज अ क्राइम, आई एम प्राउड टू डू दैट क्राइम अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन. रिगार्डिंग कश्मीर को खून से सींचा, वो कश्मीर हमारा है. सो मेरा सिर्फ यही पैगाम है कश्मीर के लोगों को, आई एम कमिंग देयर टू यूनाइट माई पीपल, नॉट टू डिवाइड देम. कश्मीर बिलोंग्स टू अस. हम अपनी धरती के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं. आई विल नॉट एक्सप्लॉइट माई पीपल. माई मैसेज टू यूथ इज फोकस ऑन एजुकेशन, फोकस ऑन योर कैरियर, लीव पॉलिटिक्स टू अस. इट इज़ माई जॉब टू रिप्रेजेंट देयर सेंटिमेंट्स एंड एस्पिरेशंस. उसके लिए अगर मुझे 1 तारीख को क्या उम्र भर भी तिहार जेल में जाना पड़े. और फिर जो आपने उम्र साहब की बात की, सिंस यू हैव आस्क्ड द क्वेश्चन, आई वाज नॉट इंटरेस्टेड. इट वॉज उमर अब्दुल्ला साहब, जब मेरे लोगों ने नॉमिनेशन पेपर फाइल किया तो उन्होंने कह दिया उस वक्त, अगर आपके पास बाइट उनकी होगी, कि काश मुझे पहले पता चला होता मैं इनके खिलाफ लड़ता ही नहीं. फिर जब हम जीत गए, फिर कहा इट इज़ विक्ट्री ऑफ इस्लामिस्ट्स एंड इट इज़ विक्ट्री ऑफ रेडिकल्स. मैं उसे कहना चाहता हूँ, आई एम प्राउड टू बी इस्लामिस्ट, बट नो इस्लामिस्ट इज़ रेडिकल, वी आर नॉट रेडिकल्स. और उसके बाद आज कहते हैं आप BJP से मिलाए, वो बताएं उनकी कौन सी बात सच्ची है. Let him tell. Yeah, that is for you also. If I am a separatist, then entire Kashmir is gone out of your hands. फिर सारे लोग मेरे साथ हैं. मैं बता दूंगा, I have written my autobiography. मैं तिहार में मजदूरी करता था, मैं लाइब्रेरी चला था वहाँ पर. You can go and check the records. I used to work there in the library. मेरे कोई हतक कोई उसमें मेरे मतलब गलत बात नहीं लगी. I work there like the way like other inmates do work. So I don't need certificate from anyone. I am committed for my people and I will do till my last breath. And people of Kashmir have given the verdict and they will give it again. My message to people of India is that we are not your enemies. You are being misled and we are being misrepresented regarding Kashmir. Sir, aap kuch keh rahe the. Engineer sahab, sir, ek bada sawal hai. Aapko Alawadi ka tamba to diya hi jata hai, lekin ahem baat ye hai ki Omar Abdullah sahab ki taraf se, kai logon ki taraf se ye kaha gaya ki unke khilaf jail se ladne log aa jate hain. बच्चे, गरीब माँ बाप अपने बच्चों से मिल नहीं पाते. बहुत बढ़िया उन्होंने कहा. उमर साहब से इतना कहूँगा कि 5.5 years क्या कभी एक बार वो मुझसे मिलने आए, किसी और कैदी से मिलने आए? उनके 3 MP यहाँ थे, जो अरविंद केजरीवाल और जो झारखंड के CM थे, जो करप्शन चार्जेस में थे, एलिजेड करप्शन चार्जेस में. उनके लिए रैलीज की, उनके लिए बहुत कुछ बोले, बट दे डिडंट स्पोक ए वर्ड ऑन इंजीनियर रशीद फॉर 5.5 years. नंबर वन, जब उनको यश सर आप तो आना चाहिए, लायर सर आपकी वजह से क्रेडिट गोल्स यू सर प्लीज़ सॉरी
तो मेरा मैडम आप भी आए ना, एंड थैंक्स टू माय लीगल टीम स्पेशली। मैं एक और लास्ट पॉइंट उमर साहब के बारे में, जो आप उन्होंने कहा जेल से लोग इसलिए उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, उससे उनको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। अगर उन्होंने लोगों की बात की होती तो जेल से लोगों को इलेक्शन नहीं लड़ना पड़ता, बल्कि उन पर फर्ज बनता था जो लोग जेल से इलेक्शन लड़ रहे हैं। ही शुड हैव सपोर्टेड देम बिकॉज वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द सप्रेशन, ही इज नॉट। उससे ये बता दीजिए, आप वाजपेयी साहब की सरकार में वो थे, उसके बाद मैडम जी थी, और मैडम जी जितना डैमेज महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर के लिए किया, उनके बाप ने किया। मैं ये कहता हूँ कश्मीर का सबसे बड़ा गद्दार शेख मोहम्मद अब्दुल्ला था, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला, उसके बाद उमर अब्दुल्ला, एंड महबूबा मुफ्ती इज कैरिंग फॉरवर्ड देयर लेगेसी। दे हैव डिस्ट्रॉयड कश्मीर, एक नया कश्मीर, मोदी का कश्मीर नहीं, इंजीनियर रशीद का कश्मीर, कश्मीरियों का कश्मीर अब सचमुच मैं पर आ जाएगा। सियासी सवाल है वो ये है कि आखिर इंजीनियर रशीद के पास इतने लोग कहाँ से आ रहे हैं और इतनी फंडिंग कहाँ से हो रही है, ये तमाम सवाल जम्मू कश्मीर की सियासत में गूंज रहे हैं। त्यौहार में आपको एक दिन आना चाहिए था मेरे साथ, मेरा वहाँ 18 जनवरी से आज तक टेलीफोन भी बंद था, वीडियो कॉल भी बंद थी, जो हर इनवाइट का राइट है। आई हैड नो कॉन्टैक्ट विद माय फैमिली, आई डोंट वांट इम्प्रेस द तिहार जेल अथॉरिटीज राइट नाउ, उसके लिए मैं बाद में बात करूँगा। मेरे पिछले 6 महीने बिल्कुल नरक में गुजरे, स्पेशली जब 20 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उसी दिन से मेरा फ़ोन कट ऑफ किया गया, रात के 12 बजे मुझे निकाला गया अपनी सेल से। आई डोंट वॉन्ट टू डिमोरलाइज माई पीपल, ओनली मुझे दबाव डाला गया कि मैं किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को सपोर्ट करूं, लेकिन इंजीनियर रशीद है जो सर कटाना जानता है, सर झुकाना नहीं आता। प्लीज सर, अगर ऐसा होता तो मैं 5.5 साल जेल में रहता क्यों? मेरी सर्जरी आई, मैं मरता रहा अस्पतालों में, वो आप वहाँ के इनमेड से पूछ सकते हैं। एनीवे आई विल बी एड्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस, आई विल आंसर एवरी क्वेश्चन ऑफ यूर, और मुझे आपसे बहुत बातें करनी है। कब करनी है? 5:30 हम प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या आप इस अलायंस के खिलाफ खड़े होंगे, क्योंकि ये कहते हैं कि हम सेकुलर अलायंस है, हम जो है सभी लोगों का अलायंस है। जनाब अजीब सवाल है आपका, मेरा उनसे बनता क्या है? They speak about ED, they speak about CBI, but they don't speak about UAPA. Just then, India Alliance ke kisi leader par UAPA lagega, then they will start speaking it. Wo ek alliance of vested interest hai, and same is true with NDA. Mera kisi se kuch bhi nahi. Sorry? Sir, kya kisi ke saath rahenge sir? Mera formula hai, ya koi election ka? Akele hi chala tha, jaan be manzil, log aate gaye, karma badhta gaya. Kya is karma mein kaun shamil hoga sir? Kaun? क्या अकेले सरकार बना पाएंगे आप? मेरे लिए सरकार बनाना मुद्दा नहीं है, मेरे लिए मुद्दा है कश्मीर के लोगों को जो सेंस ऑफ डिफीट है उसे बाहर निकालना, कश्मीर का मुद्दा हल करना, एवर लास्टिंग पीस ले आना, और ये चीज़ साबित करना कि कश्मीरी सुकून पेल्टर नहीं है, हम प्रो पीस हैं, लेकिन वी विल नेवर 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 कम्प्रोमाइज ऑन अवर पोलिटिकल। 5:30 सर।